हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का एक बार रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस देश की सरकार ने 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। किस आईआईटी संस्थान ने 90 मिनट में ओमिक्रोन का पता लगाने के लिए टेस्ट किट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? ग्वालियर में। हाल ही में किस राज्य में स्थित हैदरपुर अर्धभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें स्थान पर। किस भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? गौतम राघवन को। टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? एलन मस्क को। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बन गए हैं? युसाकु मिजावा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? इंदौर और भोपाल में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हर्षवंश कपूर का। वॉटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वॉटर्स एंड हाउ वी कैन सेव इट पुस्तक किसने लिखी है? मृदुला रमेश ने। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान सरकार को। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रशंसकीय कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अब डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। प्रमुख लोक नृत्य कालबेलिया है। प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख जनजातियां मीणा, सहारिया, भील, बंजारा, कोली, सासी आदि है। प्रमुख परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना है। प्रमुख नदियां चंबल, माही, सोम, काली सिंध है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साबर झील है। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खबरों में रहा राजस्थान। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो बांस के पौधे लगाना कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में। ऑपरेशन सरद हवा किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया था। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी। कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? राजस्थान। देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुपरसोनिक मिसाइल असीटेट टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसने किया है? डीआरडीओ ने। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से उड़ीसा में बालासोर तट पर लंबी रेंज के सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस प्रणाली को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो पारंपरिक तारपीडो की रेंज से कहीं अधिक है। डिस्कस कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हाल ही में चर्चा में रहा अस्मि क्या है, तो डीआरडीओ द्वारा तैयार भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। रुस्तम 2 क्या है, डीआरडीओ द्वारा तैयार स्वदेशी ड्रोन है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने। हाल ही में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला आयोजित की गई, कर्नाटक में। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कंबाला त्योहार दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। इस उत्सव में किसान 2 भैंसों को हल से बांधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजयी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्यौहार जैसा है, बस अंतर इतना है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है और जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में। धानु यात्रा और राज पर्व उड़ीसा में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि नट संकीर्तन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, लीना नायर को। डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी लीना ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अब यह सीईओ के रूप में सलेन जो फ्रांस की कंपनी है इसे ज्वाइन करेंगी। डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल कंपनियों में शीर्ष पदों पर भारतीय। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, पराग अग्रवाल। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। पालो अल्टो के सीईओ निकेश अरोड़ा है और आईबीएम के वर्तमान में सीईओ है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने टेडर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दे दी है, तो ये अनुमति दी गई है म्यांमार के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। टेडर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाएगा। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में लोकतंत्र समर्थक समूह और म्यांमार के नागरिक प्रशासन के कुछ सदस्य शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में सातोशी नाकामोतो ने इसे शुरू किया था। किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है, तो क्यूबा के द्वारा यह निर्णय हाल ही में लिया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्यूबा की कैपिटल क्या है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, अल सल्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डिस्कस करते हैं आगे, दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है।
उन्नति युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खबरों में रही दिल्ली। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? दिल्ली में। पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? रोहिणी, दिल्ली में। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहां लॉन्च किया गया? दिल्ली में। किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया? राकेश अस्थाना को। कौन सा राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया? दिल्ली ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। और पहला कहाँ पर है? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। डिस्कस कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1999 से। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कब लागू हुआ था? 2003 में। जीआई टैग पहली बार किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। अब डिस्कस करेंगे हाल ही में दिए गए जीआई टैग। सफेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। जुडीमा राइस वाइन का जीआई टैग असम को दिया गया है। हाथी मिर्च का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। सोजत मेहंदी का जीआई टैग राजस्थान को दिया गया है। काला चावल या चकहाव का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। किस राज्य की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगला संतरे को जीआई टैग मिला है? मणिपुर। गोरखपुर को जीआई टैग किस लिए दिया गया है? टेरा कोटा के लिए। किस राज्य को कंदमाल हल्दी का जीआई टैग मिला है? उड़ीसा को। और नागा खीरे का जीआई टैग मिला है नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है थाईलैंड में। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। भारत ने थाईलैंड एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 में 2 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक, कुल 6 पदक जीते हैं। भारतीय रोइंग महासंघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एमबी श्रीराम है। डिस्कस कर लेते हैं अब थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा है थाई बात। थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पीयूष चान ओचा। अब डिस्कस करेंगे हाल ही में संपन्न हुए प्रमुख खेल और उनके विजेता। आईपीएल 2021 कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। और विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स। दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? मालदीव में। सेफ चैंपियनशिप किसने जीती? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर 8वीं बार चैंपियनशिप का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जो किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद गुजरात में। आइए डिस्कस कर लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के सोला के उमिया कैंपस में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है। अब डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर। कामाख्या मंदिर कहां पर है? गुवाहाटी असम में है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अंबुबाची का मेला कहां लगता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर राजस्थान में है। इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मकर बिलक्कू त्यौहार किस मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे की स्थापना 1924 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। विश्व शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि लुसाने स्विट्जरलैंड में और कौन कौन से हेडक्वार्टर है। विश्व शतरंज महासंघ के सीईओ कौन है? जेफरी डी बोर्गा है। हाल ही में सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथ आनंद को। माइंड मास्टर किसकी ऑटोग्राफी है? तो विश्वनाथ आनंद की है। शतरंज में पहली बार भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? सुब्बारमन विजय लक्ष्मी। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कोनेरू हम्पी का संबंध भारत के किस राज्य से है। आगे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उनके आंसर एक बार देख लीजिए। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 66वें स्थान पर। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजन वर्षा वन है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। आगे डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? पामीर पठार को। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित कांचुवेली आर्द्रभूमि को पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के बाद निम्न में से किन दो देशों ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।